ऑल इंडिया बार काउंसिल द्वारा नागदा अभिभाषक संघ को लाइब्रेरी में किताबों की संख्या बढ़ाने के लिए ये राशि दी गई है। हालांकि अभी 25,000 की राशि और मिलना है। लाइब्रेरी के लिए कुल 50,000 की राशि स्वीकृत हुई थी। जी भाई साहब, ये 25,000 का शेख अभिभाषक संघ नागदा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से लाइब्रेरी के लिए दिया गया है। इसे चेक मेरे पास काफ़ी समय से रखा हुआ था। मोदी जी को भी बोला, मोदी जी बोला कि नहीं आप खुद आके दो, लेकिन मैं आ नहीं सका, आज ये दिया है। और 20,000 का इनको राज्य शासन से और आएगा। अभी राज्य शासन ने कल 2 तहसील में भेजा, खाचरौद और महितपुर। अभी नागदा और दूसरी तहसील बाकी है। तो 20,000 का चेक और मेरे ख्याल से एक आध महीने में आ जाएगा, लगभग 45,000 रुपये 45,000 हो जाएगा। और मेरी जवाबदारी, शासन से आई नहीं आया इनको 20-25,000 का चेक मैं और दूंगा। वकील को मृत्यु के उपरांत अभी तक 2,00,000 रुपये मिलता था उनके परिवार को, अब वो 5,00,000 रुपये कर दिया। 2,50,000 रुपये स्टेट बार काउंसिल देगी, 2,50,000 रुपये शासन देगा, ऐसे 5,00,000 कर दिया। अभी तक गंभीर बीमारी में 1,00,000 रुपये था, अब उसको 5,00,000 रुपये कर दिया। और जो AIB की एग्जाम होती है, ऑल इंडिया बार काउंसिल की, जो नए स्टूडेंट एग्जाम देते हैं उनको 12,000 रुपये ऑफिस के लिए देते थे, बुक्स फर्नीचर के लिए, उसको 25,000 कर दिया। और जो लाइब्रेरी के लिए, ये ऑल बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अलग है, स्टेट बार काउंसिल और गवर्नमेंट ने, डिस्ट्रिक्ट पैलेस पे 50,000 और तहसील पैलेस पे 20,000 कर दिया है। तो अभी उज्जैन जिले में केवल 2 तहसील के ही चेक आए हैं, वो राज्य शासन से स्वीकृत होकर लिस्ट मंत्री करते हैं। तो केवल खाचरौद को 20 दिया और महितपुर को 20 दिए, लेकिन 20 वहाँ से और आएंगे इनको, तो 20 वहाँ से नहीं आएंगे, तो फिर मैं 25 कहीं से भी करके इनको पूरा 50 का नागदा को पूरा। ऑल इंडिया बार काउंसिल द्वारा अभिभाषक संघ नागदा को जो 25,000 रुपये लाइब्रेरी के लिए दिए गए हैं, और उसके लिए मैं आदरणीय प्रताप जी मेहता, ऑल इंडिया बार काउंसिल मेंबर का बहुत बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने ये हमें राशि स्वीकृत करवाई, इनके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तथा धन्यवाद ऑल इंडिया बार काउंसिल अध्यक्ष मनन मिश्रा साहब को भी देता हूँ कि जिन्होंने उज्जैन आगमन पर हमारे रुपये स्वीकृत किए गए थे और आज उन्होंने ये राशि हमें प्रदत्त की है। इसके लिए मैं अभिभाषक संघ नागदा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।